नासिर हुसैन साहब कह रहे हैं बाबर और विलियमसन से सीखे इंडियन बैट्समैन, तो इंडियन बैट्समैन रोहित शर्मा बाबर से सीखे क्या? वो कल आया रोहित शर्मा, क्या पुजारा बाबर से और विलियमसन से सीखे? क्या विराट कोहली विलियमसन और बाबर से सीखे? नहीं, वो घंटे का किंग और वो घंटे का विलियमसन। मुझे एक बात बताओ, अब क्या मोर्दार पिचों में जो रन करते हैं बेटे, रोहानी मामू तुम जल्दी बोल गए, तुम्हारे मुंह में बवासीर है। अब तुम एक काम करो, हैरी ट्रैक्टर बोल दो जल्दी से, आज आ जाओ, बोलो हैरी ट्रैक्टर से सीख लो। नासिर हुसैन ने कहा है कि बाबर आजम और केन विलियमसन से सीखना चाहिए भारतीय बैटर को किस तरह से स्विंग बॉलों को खेला जाता है। सिखाएगा, मैं विराट कोहली को बोलता हूँ कि भाई बाबर आजम से सीख लो देर बॉल को देर से कैसे खेलते हैं, ठीक है, मगर गारंटी ये नहीं होगी कि फाइनल तक पहुंचेगी टीम। तो नासिर हुसैन गलत कह रहा है, गलत कह रहा है। अबे तू स्कॉटलैंड से हार गया हिस्ट्री में 2018 में, तुम 2011 में आयरलैंड से हार गए थे यार। कमाल है यार, एक आज बार हो जाता है, आप अपने को भी तो सिखाएं। अभी आपने क्या, थोड़े दिन हुए हैं बैस बाल, अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ मैचेस पड़ेंगे, फिर बात करेंगे। जय हिंद दोस्तों, हमारी एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023 में भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर बिल्कुल फ्लॉप रहा। ओपनर और कप्तान रोहित शर्मा से लेकर युवा शुभमन गिल और विराट कोहली से लेकर अनुभवी चेतेश्वर पुजारा तक सभी ने निराश किया। हवा में लहराती गेंदों के सामने टीम इंडिया के ये धुरंधर ढेर हो गए। भारतीय टॉप ऑर्डर के निराशाजनक प्रदर्शन पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने उन्हें पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और न्यूजीलैंड के केन विलियमसन से सीख लेने की सलाह दी है। नासिर हुसैन का कहना है कि भारतीय टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और कीवी टीम के अनुभवी केन विलियमसन से कुछ टिप्स लेनी चाहिए कि वो कैसे पेसर्स के खिलाफ लहराती गेंदों के सामने सफल होते हैं। नासिर हुसैन ने स्काई स्पोर्ट से कहा, वास्तव में भारतीय बैटर्स ने निराश किया। मुझे लगता है कि भारतीय टॉप ऑर्डर को बाबर आजम और केन विलियमसन को देखना चाहिए कि वो कैसे जब गेंद हवा में लहराती है तो पेसर्स के खिलाफ खेलते हैं। नासिर हुसैन के इस बयान पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं। आपको भी तो बाबर आजम नजर नहीं आता, नासिर हुसैन को नजर आ रहा है, दुनिया को नजर आ रहा है, आपको भी तो बाबर आजम नजर नहीं आ रहा यार। इसलिए देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए तीन दफा जिम्बाब्वे से हार गया, मैं मजाक कर रहा हूँ, आप सीरियस? मेरे घंटे के मतलब मेरे जो बाबर आजम के फैन है ना भाई, वो इसका बुरा ना माने, मुझे पता है बाबर आजम जो है वो देखता है मेरे शो को और वो यकीनन इससे महसूस भी होता होगा, मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ भाई। देखिए तीन दफा जिम्बाब्वे से हार गया, कोई बात नहीं यार, चलो होता है यार, आप हार गए, आप व्हाइट वॉश हो गए, ठीक है। मैं नासिर हुसैन की बात कर रहा हूं, वो बैटिंग की बात हो रही है, बाबर आजम की बात, जब विराट कोहली की बात होती है तो आप वो टीम पे आ जाते हैं, अभी बाबर आजम की बात हो रही है, फिर आप 25,000 रन बना लिए सर। नासिर हुसैन ने कहा है कि बाबर आजम और केन विलियमसन से सीखना चाहिए भारतीय बैटर को किस तरह से स्विंग बॉलों को खेला जाता है। सिखाएगा, मैं विराट कोहली को बोलता हूँ कि भाई बाबर आजम से सीख लो देर बॉल को देर से कैसे खेलते हैं, ठीक है, मगर गारंटी ये नहीं होगी कि फाइनल तक पहुंचेगी टीम। तो नासिर हुसैन गलत कह रहा है, गलत कह रहा है। अबे तू स्कॉटलैंड से हार गया हिस्ट्री में 2018 में, तुम 2011 में आयरलैंड से हार गए थे यार, तुम पहले अपनी तो तुम ये मालूम करो कि भाई जो इंग्लैंड के जो ईसीबी क्रिकेट है वो कैसे, मतलब ये तो टेस्ट क्रिकेट के बाप है, बल्कि माँ है तो अच्छा चले। मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो आस्तीनों में छुपे हुए होते हैं, जो मौका देख के बाहर आते हैं, जिनको जिन 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 जो मतलब जो चाहते हैं कि हम हर वक्त इनके साथ हैं, उस वक्त तक साथ हैं जब तक हमें मौका नहीं मिलेगा इनको डसने का, इनकी मारने का, इनके खिलाफ बोलने का। तो उसके अंदर सबसे पहले निकल कर आ गए वो क्या नाम है, नासिर हुसैन, ये तो आपको पता ही, रूहानी मामू है, ठीक है। और उन्होंने बड़ी लंबी कहानी कर दी, उन्होंने इतनी लंबी कर दी कि मैं अभी उस पर क्या बोलूँ, वो कह रहे हैं कि यार बाबर आजम से और विलियमसन से सीखना चाहिए किसको, इंडियन बैटर्स को। मुझे एक बात बताओ यार, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी टीम क्या खेली अभी तक वर्ल्ड टेस्ट, इंग्लैंड खेली अभी तक? अबे यार मुझे एक बात बताओ, 2011 में तुमने हिस्ट्री बना दी जिम्बाब्वे से हार के, किससे, आयरलैंड से हार के हिस्ट्री बना दी, जिम्बाब्वे से हार के तुमने हिस्ट्री बनाई, स्कॉटलैंड से तो 2018 में तुम्हारी टीम हारी, तुमने कहां भेजे अपने बल्लेबाज, तुमने कहां भेजे अपने बल्ला, तुम्हारे तो झोली भर भर के पैसे कमा रहे हैं इधर आईपीएल में आगे। मतलब मैं बात वो आदमी करे ना जो समझ में आ रही हो। फिर गौतम गंभीर को मैंने थोड़ा सा सुना, उन्होंने तो कह दिया कि ब्रॉडकास्टर और ये वो सब मिलके पीआर एजेंसी चला रहे, क्रिकेट कहीं भी नहीं। अबे भाई तू भी तो ब्रॉडकास्टर के मुंह पे बैठा हुआ है, पहले तो अपने ऊपर लाना दे ले तू। अच्छा फिर वो लोग जो कह रहे हैं ना कि ये आईपीएल की वजह से हो रहा है, अब ढक्कन के उसके ढक्कन में क्या बोलू, आईपीएल नहीं खेली। अब मैं सिर्फ ये 2007 में आप जीते थे T20 वर्ल्ड कप, 2008 में आईपीएल लॉन्च हुई,
2011 में आप वर्ल्ड कप जीते, 2013 में आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते। अबे मैं बताऊं कैसे जीते तुम लोग आईपीएल से? तुम लोग, तुम तो खुद मुंह भर भर के बोलते थे जस्ट बिकॉज ऑफ आईपीएल, जस्ट बिकॉज ऑफ आईपीएल, जस्ट बिकॉज। अबे हार वो होती है जो नीचे से चले जाओ, जैसे तुम्हारा चैंपियंस ट्रॉफी T20 वर्ल्ड कप 2021 में है, बाहर ही हो गए बिल्कुल ही। ये थोड़ी परफॉर्मेंस मैटर करती है। फाइनल खेलने वाली टीम ठीक है, जिसके तीन से चार खिलाड़ी मेन खिलाड़ी मिस हो, जो परफॉर्मर हो। अब मैं उस पर भी नहीं आ रहा, मैं अब आता हूं उस तरफ जिस तरफ लोगों की निगाह नहीं जाती। मैं ये कह रहा हूं कि 2021 न्यूजीलैंड के टूर पे राहुल द्रविड़ को कमान दे दी गई कोचिंग की, गलत। देख ले आप उसके बाद क्या हुआ, 1-0 न्यूजीलैंड। बांग्लादेश से लड़ झगड़ के बांग्लादेश से जीते हैं आप, ये मैं बता दूं। जिसमें अगर श्रेयस अय्यर, श्रेयस और अय्यर और अश्विन अगर विकेट ना लेता तो घंटा बांग्लादेश से आपकी सीरीज हो गई थी बराबर। उसके बाद आप गए साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में 2-1 ललक पड़ गई आपके ऊपर। अबे ये वो जगह है जहां पर आप रूल कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया को। 2018-19 में आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मारते हैं, 2020-21 में आप रिपीट करते हैं रवि शास्त्री की कोचिंग के अंदर, जहां पर ना विराट कोहली ना रोहित शर्मा, अबे कोई है ही नहीं वहां पर। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी टीम के बारे में ये बात करना, वो भी उन लोगों का जिनका अपनी टीम पर कोई इजारे ख्याल ही नहीं होता, जिनको अपने बारे में पता ही नहीं होता। अबे वो ये बात कर रहे हैं, अबे ढक्कन के मुंह लेकर तुम लोग बैठ जाते हो और तुम लोग इंतजार करते हो इस बात का कि हमारा टाइम आएगा, मास्टरों से निकलेंगे और डस लेंगे, तो हमें तो पता था। नहीं, उसको हटा दो, इसको हटा दो, इससे अगर तो में बन रही होती तो इन दोनों को हटाकर तो आप तो पाकिस्तान और दूसरी आईपीएल का जवाब मैच हारे हुए होते। आईपीएल लंबी जरूर है, इस पर ये गलत हमने बात की, बट आईपीएल क्रिकेट खराब नहीं कर रही, इनकी नहीं कर रही क्रिकेट खराब की है। जो लास्ट बीसीसीआई में जो ड्रामा चला है, जो अच्छा, मैं भाई कोहली के लिए बात नहीं कर रहा, ओवरऑल कोई भी दुनिया का कप्तान हो और वो इतना बड़ा नाम हो, इतने रन्स करता हो और सारे लड़के इनसिक्योर हो गए कि यार विराट कोहली के साथ ये वाला सलूक हो गया तो हम किस खेत की बोलियां। वहां से एक तो प्लेयर बनने बंद हो गए, ऊपर से जो आपके प्लेयर्स थे आपने उनको हर सीरीज खिला खिला के इंडिया में, ऋषभ पंत का तो एक्सीडेंट हुआ, वरना चाको चौबंद रहता था वो बेचारा, वहां मीडिया हाउसेज इसको भी बाहर करने पर तुले रहते थे। भारतीय टीम लगातार दूसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हारी है। इससे पहले 2021 में खेले गए WTC फाइनल में टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी। वहीं इस बार टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209 रन से करारी शिकस्त का सामना किया है। आपकी राय में नासिर हुसैन का ये बयान सही है या फिर गलत, कमेंट करके जरूर लिखें। मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।